कुछ वक्त में चुनाव होने हैं और ऐसे में राजधानी रायपुर में क्या है चुनावी माहौल, वहां की जनता क्या सोच रही है, यही जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ने चौपाल लगाई है और उनका चुनावी मूड जाना है। देखिए, कलेवा में मौजूद हैं जो कि रायपुर का एक लोकल जो फूड है यानी स्थानीय जो व्यंजन है उसके लिए जाना जाता है। तो हम यहाँ पर तमाम सारे लोगों की राय लेंगे कि आखिर राजनीति का क्या स्वाद है। जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के जो सियासी समीकरण हैं वो किस तरीके से हैं, समझने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे दावे किए हैं कि बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, हम गोबर खरीद रहे हैं, गौशाला हम बनवा रहे हैं, शराबबंदी का भी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था। क्या माहौल सर चल रहा है? अभी भूपेश बघेल सरकार के बारे में एक अच्छी बात कही जा सकती है, हाँ, कि बहुत एक्टिव मुख्यमंत्री है। एक्टिव है? बहुत एक्टिव है वो। अच्छा। और वो डैमेज कंट्रोल करने माहिर हैं। अच्छा, हाँ। तो डैमेज क्या हुआ है सर? डैमेज जो हो जाता है ईडी से उसमें माहिर है वो, डैमेज कंट्रोल करने में। अच्छा, हाँ। ईडी में सर समझ नहीं पाए, थोड़ा समझा के समझा के बोलूं कि ये काउंटर पार्टी उनको डोमिनेट नहीं कर पा रही है इतना होने के बाद भी। लेकिन ईडी का तो सर लगातार छापा पड़ रहा है। आज अमित शाह ने बोला है कि कोल घोटाला हुआ, ईडी का सारे छापे हैं, खनन घोटाला हुआ। एक बार केंद्र सरकार घोटाले के कारण से गिर चुकी है, सामने वाली पार्टी का टारगेट है घोटाले के माध्यम से ही पार्टी गिराया जा, सरकार गिराई जा सकती है, तो उनका अपना व्यू चल रहा है। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल करने माहिर है, करने में माहिर है। आप बताइए सर, क्या माहौल अभी चल रहा है सियासत में? सर माहौल तो अभी जैसे कि घोषणा पत्र आने के बाद ही पता चल जाएगा। लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था, जैसे घोषणा पत्र आया सब कुछ इधर भीतर हो गया था। इस समय भी वैसे ही होगा, ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, भूपेश बघेल सरकार ये दावा करती है उन्होंने बेरोजगारों के लिए भत्ते दिए, उन्होंने गौशालाएँ बनवाई, विकास काम किया, आदिवासियों के लिए काफ़ी सारे काम किए, कौन कौन से सर मुद्दे हैं इस बार? सर मुद्दा तो वही रहेगा कि यहाँ का जो मेन जो खेल रहता है वो किसानों पर ऊपर ही रहता है। लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था। तो किसानों के लिए तो MSP धान पर उन्होंने बढ़ाई है, उसी पर ही रहेगा मेन फोकस, और क्या हो सकता है वो। अच्छा, मेन किसानों के। अच्छा, तो क्या किया है सरकार और क्या नहीं कर पाई सरकार? अभी देख रहे हम, काफ़ी सड़कें बहुत बेकार हैं छत्तीसगढ़ में, सड़कों का हालत बहुत ख़राब है, सड़कें नहीं बनवाई गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ख़राब है सड़कें। किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? कांग्रेस की सरकार आएगी सर दोबारा। क्यों? युवाओं का काम किया है, महिलाओं पर काम किया है, किसान की काम किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसान की धरती है, कृषक प्रदेश है। यहाँ 80-90% यहाँ लोग खेती पर आधारित रहते हैं, चाहे वो किसान मतलब धान की खेती हो, गेहूँ की। MSP बढ़ाया है? हाँ, MSP बढ़ाया धान पर। हाँ, धान पर। अच्छा, एक मुद्दा और बीजेपी उछाल रही है कि जो भूपेश बघेल सरकार है वो ATM साबित हुई है कांग्रेस के लिए। वो कहने के लिए तो कोई भी बोल देता है उसमें, हाँ। अब लहजा मारना है तो कोई भी मार देगा, उसमें क्या है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना भैया, हाँ। सिद्धवक भौजी सब भौजी कथे, सिद्धवक भौजी, सिद्धवक के डौकिल सब भौजी कथे। अच्छा, हाँ, तो भूपेश बघेल जी हमारे सिद्धवा है, वाला कोनो भी कुछ कह दी। इन्होंने कहा कि तमाम सारे आरोप लगते हैं लेकिन किसानों का एक जो मुद्दा है वो खासा है, अहम है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पुरानी पेंशन योजना भी कोई मुद्दा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी संघ के लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कर्मचारी संघ से जुड़े हैं आप लोग, क्या पेंशन भी कोई मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल मुद्दा है, पेंशन तो मुद्दा है सर। जब तक हमारी लोकल, हमारा लाइफ, हम सर्विस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई वैश्विक कोविड महामारी आया है, वैश्विक कोविड महामारी में कुछ हो गया तो मेरा परिवार तो सुरक्षित रहेगा ना। मेरे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति लगेगा या मेरा मेहनत का जो पैसा जमा वो मिलेगा, और उसके साथ ही साथ कि भाई मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए एक लाइफ सिक्योर तो रहेगा, सुरक्षित तो रहेगा। सरकार ने किया है? बिल्कुल किया है, कमिटमेंट किए हैं माननीय भूपेश बघेल जी ने किए, और इसका हम समर्थन करते हैं कर्मचारी संघ, इसके लिए मैं एग्री हूँ, और अच्छा। उनको हमारे कर्मचारी संघ की वजह से हम साधुवाद देते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए, कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो है तमाम भ्रष्टाचार किया गया, ये भी कहा जा रहा है कि सड़कों को लेकर अभी पूरी तरीके से सड़कें अच्छी नहीं बनी हैं, खराब हैं, ये भी कोई मुद्दा है क्या?
मतलब कुछ जगह में तो वाकई में जो है मतलब सड़क जो है नहीं बन पाई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो दिक्कत है कि पता नहीं कैसा जैसा भी है, सड़कें की दिक्कत अभी अभी है। जी हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने 21 जुलाई को विधानसभा मिले थे और उन्होंने हमारे आवेदन पे सिग्नेचर किए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी को मार्क किए हैं और इतने दिन हो गए हमारे मानदेय वृद्धिक संबंध में समाज कल्याण में हम लोग काम करते हैं और आज तक हमारा 21 साल में हमारा तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया, मानदेय नहीं बढ़ाया गया। जबकि सरकार नियमितीकरण भी एक मुद्दा है, यानी जो पक्का करना कर्मचारियों के, वो भी एक मुद्दा है, वो मुद्दा है जी, तो वो तो बोला गया था ना कि हम नियमितीकरण करेंगे। जी जी, लेकिन हम लोग 21 साल हो गए सर, इस प्रकार से विभाग द्वारा हमारे से किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग पता नहीं क्या चाह रहा हम लोग के साथ में, हमारा पूरा उम्र चला गया, अब कहाँ के रह गए। हमारे 40 साल 50 साल हमारा उम्र हो गया, हम लोग 100 रुपये रोजी में काम कर रहे हैं समाज कल्याण और नाम है समाज कल्याण विभाग। देखिए, आप ही का कल्याण नहीं हो रहा। शराबबंदी कोई मुद्दा है कि नहीं है? है मुद्दा है। तो भूपेश जी ने बोला था कि शराबबंदी करेंगे, अब तो शराब को लेकर तमाम सारे घोटालों का आरोप लग रहा है। लग तो रहा है सर, लेकिन बंद होना चाहिए सर, आप से घर परिवार सब बर्बाद हो जाते हैं। घर परिवार तबाह सब बर्बाद होते हैं सर, ना राम के रहते ना रहीम के रहते। अच्छा? कुछ नहीं रहते, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, खासकर महिला लोग परेशान हो जाती है। तो शराबबंदी होनी चाहिए कि चाहिए? बिल्कुल XYZ, ये महिलाओं के बीच मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दा है क्योंकि परेशान महिला होती है। दिव्यांगों के लिए काम हो रहा है सर? हो रहे सब, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। और क्या होना चाहिए? अब जो विभाग में है जितने भी जो दिव्यांग हैं उनका जो प्रमाणीकरण होता है, 80 बाधित दृष्टि बाधित के लिए जाते हैं और ये श्रवण बाधित के लिए जा भी नहीं, बुला लेते हैं दूर दूर से उनको और परेशानी कर कोई से खाली वापस चले जाते हैं। बेचारे लोग गरीब आदमी दौड़ते दौड़ते जाते हैं, उनका बन भी नहीं करता। श्रवण बाधित का मेन समस्या है GPM में। भ्रष्टाचार मुद्दा तो है, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता को बहुत सीधे सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा नहीं है। अच्छा। इस वजह से जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये इंतजार करती बैठी है कि कोई साबित करे इस चीज पे। शायद तो कौन सा सीधा कौन सा मुद्दा है जो प्रभावित करता है? क्या जो ये आपका गौशाला का मुद्दा है या जो दूसरे और मुद्दे हैं, क्या वो कुछ ऐसे हैं कोई मुद्दे जो प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, मैं बोला ना, शराबबंदी का जो एक मुद्दा है जो महिलाओं को खासकर प्रभावित करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा था जिसको इस गवर्नमेंट ने परमानेंट करने की बात कही थी और उनको परमानेंट नहीं किए और उनके लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वो बड़ा मुद्दा है। अच्छा। दूसरा, सिलगेर से बस्तर के सिलगेर से लेकर सरगुजा के हसदेव तक जो आदिवासियों का मुद्दा है, जो जल जंगल और जमीन की जो लड़ाई चल रही है, वो बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, क्योंकि बस्तर और सरगुजा दो ऐसे क्षेत्र हैं जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को तय करते हैं। अच्छा। दोनों क्षेत्र जो है, तो आदिवासियों का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा होगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये आदिवासियों का मुद्दा भी बड़ा होगा, हम इनसे भी बात करते हैं। एक अभी ये भी BJP का आरोप है कि जो ऐप के जरिए गेमिंग में लोगों को झोंका गया, अभी एक महादेव ऐप का कांड हुआ यहाँ पर जिसमें 400 से ज़्यादा लोग पकड़े गए, करोड़ों रुपए उसमें दिखाए गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के आने के बाद सट्टे में, जुए में, शराब में, कोयला तस्कर में नंबर वन पर आ चुका है और छत्तीसगढ़ लगातार अब छत्तीसगढ़ से अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। कैसे? अब जो बात है महादेव ऐप की, तो पूरे भारत में प्रथम श्रेणी में महादेव ऐप संचालित हो रहा है और उसके दुर्ग के लोग संचालित कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी के सजाती लोग हैं और भूपेश बघेल और पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से संरक्षण है, जिसका पेपर पे खुलेआम प्रचार किया जाता है, दैनिक भास्कर पे, अन्य नहीं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप नहीं, मतलब वो प्रूफ होना चाहिए। क्या ये जनता के बीच मुद्दा है कोई? आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग इसमें भी दुर्ग भिलाई के और रायपुर शहर के, छत्तीसगढ़ के हजारों युवा बर्बाद हो चुके हैं जुआ हार हार के और इससे जो जुड़े लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। इस पर प्रशासन का ढीला रवैया है और वो जो संचालक है उनकी कमाई बताई जाती है कि हजारों करोड़ के रूप में उनकी कमाई है। जो सौरभ चंद्राकर का नाम आता है और अन्य का नाम आता है, तो ये बिल्कुल आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो इन्होंने कहा? देखिए सर, जो बोल रहे हैं माननीय जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, सच्चाई है। हाँ। लेकिन मैंने पहले ही भी कहा विद प्रूफ एविडेंस। अच्छा। भाई ब्लेम करना किसी के ऊपर आ गया, मैं मिश्रा जी के बातों से एग्री हूँ। हाँ। लेकिन सरकार और सिस्टम ऐसा रहता है, अगर हम कोर्ट में भी पेश करते हैं पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस के बाद माननीय न्यायालय का काम है, सिस्टम का काम है, लेकिन सिस्टम में जाने से पहले उसको प्रूफ किया जाए। हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो योग्य अधिकारी हैं, ये दूध का दूध पानी पानी कर देंगे समय के साथ। कई सारे मुद्दे हैं, इनसे एक बार फिर से। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा है कि आपने बताया कि धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है,
भाई साहब चूंकि कर्मचारी संघ से जुड़े हैं, कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना एक मुद्दा है यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा शराबबंदी है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप समझ सकते हैं, आप समझते हैं कि उस पर सरकार को और काम करने की ज़रूरत है या वो नहीं कर पाई सरकार? देखिए, हम छत्तीसगढ़ में जो है सबसे वर्तमान में जो स्थिति है वो सड़क की है। मैं राजधानी रायपुर में रहता हूँ और यहाँ की जो स्थिति है कि गली में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ गड्ढे ही मिलेंगे। अच्छा। तो सरकार को सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई थी कि एक साल पहले ही जो है भूपेश सरकार ने दिसंबर तक का समय दिया था कि सभी सड़कें जो है दुरुस्त हो जानी चाहिए, और उसके लिए फाइनली कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया था कि सड़कें बन जाए। पर उसके बाद से आज तक भी अगर आप रायपुर की सड़कों में निकलते हैं, सड़क मतलब गलियों में भी अगर आप घुसेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा गड्ढे मिलेंगे कि वो जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। वो उससे जो है आम जनता सीधे प्रभावित होती है, वो हर चीज़ को परेशान करती है। अच्छा। उसी के कारण जो अस्पतालों में आप जाएंगे तो कई मरीज आपको एडमिट मिलेंगे जिनके उसकी वजह से हादसा हो रहा है। लेकिन सरकार स्थानीय मुद्दों को छोड़ के जो है सिर्फ बड़े मुद्दों पर जो है वाहवाही वाले काम कर रही है। गौठान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम गोबर का जो घोटाला है और उसके लिए भी कंटिन्यू की लाखों लाखों का गोबर लोग बेच दे रहे हैं, वो गोबर है कहाँ? अच्छा, गोबर नहीं है कहीं? गोबर भाई, गोबर के नाम पर मिट्टी आरोप, गोबर। उसके बाद जो है गोबर पेंट का मसला आया है, गोबर पेंट को प्रमोट किया जा रहा है कि गोबर पेंट, क्या आपने कहीं गोबर पेंट से पुता हुआ कहीं पे चीज देखा जो आपको अलग लगा हो? अभी G20 का सम्मेलन हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसके लिए तैयारियां चल रही है। आप सड़क देखिए, आपको जो दीवाले है वो पोत दी जा रही है लेकिन जो डिवाइडर है वो खराब पड़े हुए हैं। तो जनता क्या चीज देखती है, सरकार से क्या उम्मीद करती है? और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, बताइए कुछ क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर? सर, मुद्दा हम लोग का यही है सर कि हम लोग 20-22 साल से काम कर रहे हैं समाज कल्याण विभाग में। हम लोग खंड स्तर का कार्यकर्ता हैं, हम लोग को 100 रुपया डेली के हिसाब से आज 20 साल से काम लिया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी एक संतोषजनक मानदेय का बढ़ोतरी होना चाहिए। उसके लिए हम भी उम्मीद करते हैं भूपेश बघेल सरकार से कि भाई इनकी मांगों पर भी आप जो है ध्यान दीजिए। कुछ यंग बच्चियां हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। अरे आप लोग कुछ बताओ, क्या है पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, शिक्षा का माहौल कैसा है? अभी तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, लेकिन गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। अच्छा, रोजगार की क्या पोजीशन है, मतलब भर्तियाँ निकल रही हैं राज्य सरकार की, नौकरियाँ मिल रही हैं लोगों को? नहीं, जो है ऐसी ही है। हाँ, और निकल भी रही है तो मतलब जो निकल पा रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं लोग निकल पा रहे हैं, और जो बैठे हैं वो बैठे ही रह जा रहे हैं मेहनत करने के बाद भी। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये बताओ कि आप लोग महिला हैं, महिला सुरक्षा के लिए मतलब यहाँ माहौल अच्छा है, कानून व्यवस्था अच्छी है? नहीं, कल ही एक रेप केस हुए दो बहन लोग का, तो उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, तो फिर उतना सिक्योरिटी तो नहीं है। अच्छा, हाँ। अच्छा, महिलाओं के बीच में ये सारे मुद्दे चर्चा रहते हैं, चर्चा करते हैं आप लोग किन मुद्दों को लेकर? हाँ, सरकार को वोट करेंगे? हाँ, करते हैं। और मैं तो क्रिश्चियन हूँ तो मैं तो बोलना चाहूँगी कि मणिपुर में अभी इतना वो हुआ तो फिर उस हिसाब से तो मतलब कुछ नहीं हो रहा है सुनवाई किसी का। अच्छा, हाँ। मतलब और ज्यादा कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ, तो वो लोग देखते ही होंगे, हम लोग जब देख रहे हैं तो हम लोग को इतना बुरा लग रहा है, तो फिर वो लोग देखते होंगे तो उन लोग को कुछ लगता है कि नहीं, और ऐसे ही बैठे हैं। माहौल चल रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दा तो बहुत बढ़िया है सर, भूपेश बघेल हर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, लेकिन सर बीजेपी का तो ये आरोप है कि कोल घोटाला हुआ, गौशाला घोटाला हुआ, ऑनलाइन ऐप के जरिए घोटाला हुआ। सही है सर, हम लोग क्या मध्यम वर्गीय परिवार है। हाँ। हम लोग को बड़ा बड़ा ये सब घोटाले के बारे में तो पता नहीं है। अच्छा। जो हमको दे रहा है सुविधा उसका तो हम बताएंगे। क्या क्या सुविधा मिल रही है हमको? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता टाइम टू टाइम कितना मिल रहा है हमको? जब से भरे हर महीना आ रहा है 2500 रुपये। हाँ, ये मेरी वाइफ का मैं भरा था, इसका खत्म हो गया था वो बेरोजगारी भत्ता, मतलब जो कार्यालय का वो रहता है। अच्छा, वो खत्म हो गया था, नवीनीकरण 2 महीना बचा मतलब हुआ था, खत्म हुए उसके बाद भी फॉर्म भरा मैं नवीनीकरण करके तो पूरा पैसा आया। अच्छा, यानी बेरोजगारी भत्ता आपको मिल रहा है? हाँ। तो ये नौजवानों में है एक मुद्दा, क्या ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, भूपेश बघेल को ही वोट देंगे अपन। आप क्या सोचते हैं, क्या जैसे छत्तीसगढ़ का मुख्य विषय क्या है जिस पर चुनाव होगा, जिस पर आप लोग वोट डालेंगे?
मुख्य विषय क्या है? आरक्षण, किसान की MSP, बेरोजगारी भत्ता या कानून व्यवस्था? यहाँ तो सुशासन है, गुड गवर्नेंस तो है ही है। गुड गवर्नेंस है छत्तीसगढ़ ही, लोक संस्कृति को आप देख ही रहे हैं आसपास जो है, सहज के और बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, और क्या, बस उतना ही पर्याप्त है आम जनता के लिए तो। लेकिन दूसरी पार्टियां आरोप लगाती है कि कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति गड़बड़ हुई है अभी हाल फिलहाल के दिनों में, क्या ऐसा कुछ ज़्यादा है मतलब? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से क्राइम भी थोड़ा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अच्छा। वो इतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता। अच्छा, बाकी ऐसा कुछ नहीं, रिपोर्ट लिखते हैं थाने जाओ तो रिस्पॉन्स मिलता है बरोबर जो ना। अच्छा, हाँ, और क्या चाहिए, फिर तो पर्याप्त है वो तो। तो ये आपने देखा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। अब समझना ये होगा कि कौन सी पार्टी इन मुद्दों को कितना उठा पाती है और कितना लोगों को समझा पाती है, इसी पर निर्भर करेंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे।